चटपटा खाने का मन कर रहा है। चटपटा खाने का मन कर रहा है? हाँ। तो मैंने चने भिगोए हैं, छोले बना दूँ? नहीं यार, बहुत टाइम लगता है उसमें तो, भूख लगी बहुत। अरे आपसे किसने बोला टाइम लगता है? चलो आधे घंटे में आपको छोले और भटूरे दोनों बनाकर खिला देती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ इंस्टेंट छोले और इंस्टेंट भटूरों की रेसिपी अपने चैनल पर। तो आई होप आप लोग को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है और इंस्टेंट बनते हैं साथ में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि ये छोले भटूरे मैं कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने लिए हैं लगभग 300 ग्राम से थोड़े से ज़्यादा चने थे, तो इनको मैंने रात भर भिगा दिया था और अभी चने हमारे फूल कर तैयार हो गए हैं। और एक बात और बता दूँ कि अगर आप चने भिगोना भूल गए हों तो चनों को अच्छे खौलते गर्म पानी में भिगा लीजिए और इसे एक घंटे के लिए अच्छे से ढककर छोड़ दें, तो भी चने हमारे छोले बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों छोले बनाने के लिए मैंने लिया है प्रेशर कुकर और प्रेशर कुकर में डालकर रखा है सरसों का तेल। तो तेल हमारा अभी अच्छे से गर्म हो चुका है, तो चलिए इसमें सबसे पहले हम तड़का लगा लेते हैं। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ शाह जीरा, जैसे कि काली जीरा भी बोलते हैं, और हमें शाह जीरा ही चाहिए होगा। इसके अलावा मैं ले रही हूँ यहाँ पर तेज पत्ता, 3 से 4 सूखी लाल मिर्चें, साथ ही दालचीनी का टुकड़ा, थोड़ी सी जावित्री, 3 से 4 लौंग, 2 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची। तो इन सारे मसालों को अच्छे से तड़का लेते हैं। और अब इसके बाद यहाँ पर जाएगी बारीक कटी हुई प्याज, इसे मैंने चॉपर से चॉप किया है। आप चाहें तो प्याज का पेस्ट बना सकते हैं। तो चलिए प्याज को डाल देते हैं और अब यहाँ पर प्याज को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और प्याज को जल्दी गलाने के लिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ नमक थोड़ा सा, जिससे कि प्याज हमारे जल्दी से गल जाएँ। तो इंस्टेंट कुकिंग करने के लिए प्याज भूनते समय आप नमक ज़रूर ऐड करें। और इसे मैं छोड़ रही हूँ तेज़ आंच पर। तो यहाँ पर अभी मैंने इस कुकर को दूसरे गैस पर शिफ्ट कर दिया है और इस गैस पर मैंने ले लिया है एक पैन और पैन में डाला है थोड़ा सा ऑयल। आप चाहें तो ऑयल को हाफ ऑफ डिवाइड भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल डालकर गर्म होने के लिए रख दिया है और ये तेल अभी हल्का सा गर्म हो गया है। तो इस टाइम पर मैं इसमें ऐड करूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब यहाँ पर अदरक लहसुन के पेस्ट को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। और अभी यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट जो है हल्का सा फ्राई हो चुका है। तो इस टाइम पे अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे कुछ पिसे मसाले। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ हल्दी का पाउडर और हल्दी मैंने कम ली है, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया का पाउडर और इसके अलावा इसमें जाएंगे छोले मसाला। साथ ही मैं यहाँ पर डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर, जीरे का पाउडर। और यहाँ पर इन सारे मसालों को हम तेल में थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। ध्यान रखें कि आंच को कम ही रखें, नहीं तो ये सूखे मसाले हैं, जल सकते हैं। और अभी जो है जब ये मसाले भून गए हैं तब मैं गैस को बंद करूँगी और इस टाइम पर हम यहाँ पर डाल देंगे अमचूर का पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अभी हमारे यहाँ पर मसाले जो है फ्राई होकर तैयार हो गए हैं, इन्हें एक बार हम साइड करते हैं। और चलिए अब प्याज को चेक कर लेते हैं। तो अभी जैसा कि आप देख रहे हैं प्याज हमारी काफ़ी अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है। तो इस टाइम पर मैं यहाँ पर चने ऐड कर दूंगी। और अभी चने डालने के बाद मैंने लिए हैं यहाँ पर क्रश टमाटर। आप चाहें तो टमाटर का पेस्ट यूज़ करें या फिर टमाटर को बारीक काट लें। और इसके बाद से इसी टाइम पर यहाँ पर जाएगी स्वादानुसार नमक, साथ ही मैंने 1 टीस्पून काला नमक भी ली है जो इस छोले में बहुत अच्छा स्वाद देती है। और सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। तो अभी यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने टमाटर और चनों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसे भूनना नहीं है, हमें इसे इतना ही रखना है। और अब जो मसाले मैंने अलग से फ्राई करके रखे थे वो हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए हैं। अब हम यहाँ पर डालेंगे गरम पानी ग्रेवी लगाने के लिए। और गरम पानी आप अपने अंदाज से डाल सकते हैं, जितनी भी ग्रेवी आपको रखनी हो। पानी को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अभी यहाँ पर चूंकि चने हमने उबाले नहीं हैं, चने कच्चे हैं, तो पकाने में थोड़े ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी, तो इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी और ऐड कर रही हूँ ग्रेवी के लिए। तो अब यहाँ पर वापस से एक बार मिक्स करते हैं। और दो चीज़ें जो और हमें ऐड करनी है वो है गरम मसाले का पाउडर, साथ ही कसूरी मेथी। तो दोनों चीज़ों को हम यहाँ पर डाल देंगे और एक बार वापस से अच्छे से मिक्स करते हैं। और अभी यहाँ पर इन छोलों को
मैं क्या करूँगी कि उबाल आने तक ऐसे खुले में ही पकाऊंगी, क्योंकि जब हम तुरंत ढक्कन लगाते हैं तो जो है ग्रेवी के बाहर निकलने का डर होता है। तो चलिए पहले इसे उबाल आने देंगे और फिर लगा देंगे ढक्कन। तो अभी जैसा कि आप देख रहे हैं छोलों की ग्रेवी में उबाल आ चुका है, तो अब हम लगाएंगे ढक्कन। तो यहाँ पर प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाने के बाद हम इसमें आने देंगे एक सीटी, और एक विसल आने के बाद सिम फ्लेम पर हमें इसे पकाना है 12 से 15 मिनट के लिए। आप चाहें तो इस टाइम पर छोलों में थोड़ा सा मीठा सोडा ऐड कर सकते हैं जिससे कि छोले जल्दी गल जाएं, पर मैंने यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं किया है। तो मैं इसे पकाऊंगी पूरे 15 मिनट के लिए सिम फ्लेम पर, और उसके बाद हम छोलों को चेक करेंगे। और जब तक फ्रेंड्स हमारे छोले पक रहे हैं, तब तक हम क्या करेंगे कि इतनी देर में भटूरों को आटा लगा कर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर भटूरों को आटा लगाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है मैदा, और मैदे के साथ हमें चाहिए होगी बहुत थोड़ी सी दही। दही मैंने ज़्यादा रखी है पर हम लेंगे बहुत थोड़ा सा। साथ ही सूजी ली है, मोयन के लिए तेल है, थोड़ी सी चीनी है, थोड़ा सा नमक है, इनो का एक पाउच है, और साथ ही थोड़ा सा खाने वाला सोडा है। तो इन सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी भटूरे को बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों अब भटूरों को आटा लगा लेते हैं। तो भटूरे का आटा लगाने के लिए मैदे के बीचों बीच में हम सारी चीज़ें ऐड करेंगे, और मैदा मैंने यहाँ पर लिया है 4 कप, और सूजी जो है 1/2 कप ली है, तो यही रेशियो आप रखें। मोइन के लिए ऑयल जो लगभग 2 टेबल स्पून है, चीनी 2 टीस्पून है, साथ ही सॉल्ट है आपके स्वादानुसार। इसके अलावा हम लेंगे यहाँ पर खाने वाला सोडा, तो खाने वाला सोडा मैं लगभग 1/2 टीस्पून ले रही हूँ, और दही ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लूँगी दही बस 4 चम्मच 4 कप के हिसाब से, और ये पतली दही आप देख रहे हैं कि सिंपल एकदम दही को मैंने पतला कर लिया है, और 4 चम्मच दही ले ली है। तो चलिए सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। और अभी यहाँ पर मैंने मैदे में सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया, और इसके बाद से मैंने लिया है गर्म पानी जो लगभग 1 कप है। तो पानी शुरू में थोड़ा ही रखें, और इसमें हम डाल देंगे अपने इनो का पूरा पाउच। मैंने 1 पाउच पूरा इनो ले लिया है, और ये सिंपल फ्लेवर का है, आप चाहें तो लेमन फ्लेवर का भी यूज़ कर सकते हैं। और इनो डालने के बाद इसी पानी से हम लगाएंगे भटूरे का आटा। ध्यान रखें कि इनो को गर्म पानी में डालें, और पानी अगर कम पड़ेगा भटूरों को गूंथने के लिए, मतलब भटूरे का आटा गूंथने के लिए, तो फिर आप सादे पानी का यूज़ कर लें। तो अभी यहाँ पर हमारा भटूरे का आटा जो है अच्छे से गूंद कर तैयार हो चुका है, और इसमें मैंने इनो वाला पूरा पानी डाल दिया था, साथ ही 1/2 कप के लगभग इसमें और पानी लगा था। आटा मैं आपको दिखा दूँ, एकदम सॉफ्ट है, जैसे हम लोग रोटी का आटा लगाते हैं वैसे ही आटा हमें लगाना है। और बहुत ज़्यादा इसे रखना नहीं है, बस 5 मिनट छोड़ेंगे, क्योंकि इसमें सूजी है जो गर्म पानी की वजह से फूल कर सेट हो जाने वाली है। तो चलिए इसे छोड़ते हैं 5 मिनट के लिए। तो अभी यहाँ पर प्रेशर अच्छे से रिलीज़ हो चुका है, चलिए आपको छोले दिखा देती हूँ। वाओ, आप देख रहे हैं कि छोलों का कलर कितना बढ़िया आया है, और छोले हमारे चलिए चेक कर लेते हैं गले हैं या नहीं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं छोले काफ़ी अच्छी तरीके से गल चुके हैं, और कलर भी इनका बहुत बढ़िया आया है, सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम डालेंगे यहाँ पर हरी धनिया बारीक कटी हुई, और इसे अच्छे से मिला लेते हैं। तो दोस्तों देखा आपने, बस 15 मिनट में बहुत ही बढ़िया से छोले हमारे बनकर तैयार हैं। तो चलिए इनको साइड करते हैं, और अब बना लेते हैं भटूरे। तो चलिए अब भटूरे बेल लेते हैं, और आटा भी हमारा काफ़ी अच्छी तरीके से सेट हो चुका है, और मैंने यहाँ पर लिया है सूखा आटा भटूरों को बेलने के लिए। आप चाहें तो तेल का भी यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर मैं इतने बड़े बड़े जो है भटूरे बनाऊंगी, और यहीं पर स्लैब पर मैं डाल रही हूँ सूखा आटा। लोई को चिकना कर लेते हैं, इस तरीके से हल्के हाथों से घुमाते हुए भटूरे को बेल लें। तो यहाँ पर मैंने 2 गोल भटूरे बनाकर तैयार कर लिए हैं। भटूरों को आप अपने साइज़ के हिसाब से भी बेल सकते हैं, लंबा या फिर गोल, और साथ ही तेल भी रख दिया है गर्म होने के लिए। तो चलिए अब हम भटूरे डालकर तल लेते हैं। तो यहाँ पर तेल गर्म हो गया है, चलिए भटूरे डालकर तल लेते हैं इनको। तो अभी यहाँ पर देख रहे हैं कि भटूरे कितने बढ़िया से फूल रहे हैं, एकदम खिले खिले भटूरे बने हैं। और इसी तरीके से आप चाहें तो इन्हें हल्का सा लाल तल लें, या फिर वाइट वाइट निकाल लें, और बहुत ही बढ़िया इंस्टेंट भटूरे दोस्तों बनकर तैयार हुए हैं।
यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सिर्फ आधे घंटे में हमारे इंस्टेंट छोले और भटूरे दोनों बनकर तैयार हैं। साथ में प्याज है, हरी मिर्ची है। तो इस तरह से छोले भटूरे आप भी बनाइए, घर वालों को खिलाइए, मेहमानों को भी सर्व करिए। और आज तो मेरे पतिदेव भी खुश हो जाएंगे जब उन्हें आधे घंटे के अंदर छोले भटूरे बने बनाए मिलेंगे। तो दोस्तों, रेसिपी कैसी लगी? रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। फिर मिलूंगी आपसे नई रेसिपी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।